अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फार्म हाउस किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी करारे कबाब की रेसिपी। हमने मटन का गोश्त लिया है 250 ग्राम। इसमें हम इस तरह से बोटी, दो चार बोटी इसमें मिला लेंगे, इसकी इससे टेस्ट बढ़ जाएगा। इसमें हम अब ऐड करेंगे अपने बाकी मसाले। इसमें हम 100 ग्राम चने की दाल, हमने आधा घंटा पहले भिगो दिया था, इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए, हमने इसे भी इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें अपने कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। हमने इस तरह के दो अदरक का टुकड़ा इसी तरह रख देना है हमें, और एक पोती लहसुन की इसे धोकर हमें इसमें रख देना है, और लाल मिर्चे, ये देखिए ये चार लाल मिर्चे हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने खड़े मसाले। इसमें हम 1 चाय का चम्मच ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 खाने का चम्मच हम अखा धनिया ऐड करेंगे, थोड़ा सा काली मिर्ची ऐड करेंगे। इसमें 4 लौंग ऐड करेंगे और 4 इलायची, हरी इलायची ऐड करेंगे, और 2 दालचीनी के टुकड़े, देखिए इस तरह 2 दालचीनी के टुकड़े ऐड कर देंगे। अब हम इसमें नमक और हल्दी शामिल करेंगे। इसमें हम 1/2 चाय का चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे और इसे कुकर का ढक्कन लगा के 2 सीटी पकने देंगे। अपने गोश्त को गला लेंगे। देखिए, हमने सारी चीज़ें डाल दी है। अब हम इसमें प्याज, 1 प्याज हमने कट के रफली चॉप करके डाला है। हम सारी चीज़ों को मिला के इसे 2 सीटी पकने देंगे, गला लेंगे अपने गोश्त को। ये देखिए, हमारा मटन गल चुका है, सारी चीज़ें अच्छी तरह से गल चुकी है। ये जो हमारी लहसुन की पोतली थी, हम इसे इस तरह से दबा कर हम इसमें से सारा पल्प निकाल लेंगे, और बाकी का हिस्सा, इसका छिलका, हम इसे फेंक देंगे। देखिए, इस तरह हमें इसे निकालना है। देखिए, हमने सारा निकाल लिया है। अब हम इसे फेंक देंगे और इसमें से तेज़पात निकाल लेंगे, और बाकी सारी चीज़ों का मिक्सी के जार में डालकर थोड़ा थोड़ा पीस लेंगे। अगर आपके पास चॉपर है तो आप सारा एक साथ डाल के चॉपर में पीस लीजिएगा, हम मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। देखिए, हमने कीमे को पीस लिया है अच्छी तरह से। हमने अच्छी तरह से इसे पीस लिया है। इसी तरह इसे पीसना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी प्याज। देखिए, हमने 4 प्याज बारीक कट कर लिया था, इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें जितनी प्याज डालेंगे उतना टेस्टी बनेगा। आप मेरी वीडियो आखिर तक देखिए, हम इसमें कुछ मसाले, सीक्रेट इन्ग्रीडियंट्स मिलाएंगे जिससे ये क्रिस्पी और मज़े के बनेंगे। और 1 मुट्ठी पुदीना और 1 मुट्ठी हरा धनिया, इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्ची। हम तीखा ज़्यादा खाते हैं, इसके लिए हमने इस तरह की जो लाल हरी मिर्ची लाल हो जाती है, हम उसे 2 कट करके, बारीक कट करके उसे हमने ऐड कर दिया है। और 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1/2 चाय का चम्मच लहसुन, ज़ीरा और हरी मिर्ची का पेस्ट। हम तीखा ज़्यादा खाते हैं, बहुत चटपटी रेसिपी है, बहुत चटपटा बनेगा कबाब, आप इसी तरह बनाइएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे शान का बिरयानी मसाला। शान का बिरयानी मसाला हम 1/2 चाय का चम्मच ऐड करेंगे, और होममेड गरम मसाला, ये हमारे घर का ज़ाफ़रानी गरम मसाला, इसे भी हम 1/2 चम्मच ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे आखिर में, अब इसमें ऐड करेंगे हम नमक। हमने गलाने में भी नमक ऐड किया था, इसके लिए हम 1/2 से कम थोड़ा नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिला लीजिएगा। अब हम इसमें अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 अंडा, ये 1 पाव कीमा है, इसके लिए हमने 1 अंडा यूज़ किया है। 1/2 किलो हो तो आप 2 अंडा यूज़ करिएगा, और इससे हमारे कबाब क्रिस्पी और मज़े के बनेंगे, चटपटे और क्रिस्पी। ये देखिए, ये ब्रेड क्रम्स है, ये हमने घर में बनाया है, होममेड ब्रेड क्रम्स है, आप चाहे तो दुकान का भी यूज़ कर सकते हैं। ये 3 टेबलस्पून है, 3 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स, इसे डालने से हमारे कबाब में क्रिस्पीपन आएगा और बड़े मज़े के लगेंगे। चलिए, अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं। देखिए, हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है।
अंडा, प्याज, ब्रेड क्रम्स, हरी मिर्ची, कोथमीर, हरा धनिया, पुदीना सब एक साथ हो जाना चाहिए। देखिए इस तरह इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। ये देखिए हमें इस तरह इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। देखिए सारी चीज़ों को हमें इस तरह अच्छी तरह से मिक्स करना है। देखिए हमारा बैटर तैयार है। अब हम इसे इस तरह हाथों की मदद से इस तरह लेकर इसके कबाब बना लेंगे। ये देखिए हमें इस तरह इसे कबाब का शेप देना है। इसी तरह हम अपने सारे कबाब बना लेंगे। ये देखिए हमने इस तरह हमें कबाब बनाना है। ये देखिए हमने सारे कबाब रेडी कर लिए हैं। हम और भी कबाब है, हम पहले इसे फ्राई करेंगे। देखिए हम इसे एक पैन में हमने तेल लिया है, इसे हम शैलो फ्राई करेंगे। इस तरह सारे कबाब हम इसमें बिछा देंगे। आप चाहे तो तवे पर भी बना सकते हैं। ये देखिए हमने अपने कबाब पैन में डाल दिया है, इसे हम एक तरफ फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसे टर्न करके दूसरी तरफ भी फ्राई करेंगे। ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं। ये जो नज़दीक से ना तलने का तेल आगे डाल देना है। ये देखिए हमने अपने कबाब को कटन कर लिया है। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये फ्राई हो गई है, कितनी क्रिस्पी हो गई है। देखिए इसी तरह हम सारे कबाब अपने फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे कबाब बिल्कुल तैयार है। कितनी क्रिस्पी और कितने मज़े के लग रहे हैं। इसी तरह आप बनाइए। हमारी रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम सबको दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।